हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत दिनों से हमें कमेंट कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे या फिर हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस फिल्म का जो भी निकले ट्रेलर निकले या फिर टीजर निकले उसके ऊपर रिएक्शन दे। दो टीजर गाइस निकली उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया, टीजर वन टीजर टू, राइट। बहुत सारी बातें हमने वहां पे की और आपको बहुत पसंद भी आया, आपने बहुत लाइक किया और वैसे भी हमें रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है यार, इट इज वन ऑफ आवर फेवरेट कंटेंट्स जो शिवरायांचा छावा जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। yes. हालांकि हमने अपने फीडबैक बहुत जेन्युइन फीडबैक्स आप लोगों को दिया और हम थैंक गॉड कि आप लोगों ने कुछ कुछ चीजों को माना। yes. आप बहुत लोगों ने डांटा नहीं है लेकिन हमारी गलती है वहां पे जो हमने पिछली बार की थी एंड वी वांट टू फिक्स इट। दिग्पाल लांजेकर सर जिस इस पूरे सीरीज को जो बना रहे हैं और जो बेसिकली शिवराज हमारे जो छत्रपति शिवराजी महाराज के ऊपर जितनी भी कहानियां हैं या फिर उनके सोल्जर्स के बारे में जितनी कहानियां हैं ये फिल्म उसका हिस्सा नहीं है। ओके, सो बेसिकली वो शिवराज अष्टक एक बेसिकली एक सीरीज है उस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं दिग्पाल लांजेकर सर, जिससे पांच बन चुकी है लेकिन ये फिल्म उसका हिस्सा नहीं है, स्टैंड अलोन फिल्म, ये एक अलग फिल्म है, स्टैंड अलोन फिल्म है तो इसे अलग तरीके से बनाया जा रहा है, शायद इसका भी सीक्वल निकल सकता है। राइट, ये छत्रपति संभाजी राव महाराज जी के बारे में है, उनके सुपुत्र के बारे में है और महान वो भी एक बहुत बड़े राजा थे और वीर थे वो। yes. और उन्हीं की कहानी के बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ जानने वाले हैं हम और ट्रेलर में देख सकते हैं कि और आगे हमें देखने को क्या मिलेगा। yes, guys, और कंटेंट को किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट किया है। यस गाइस, क्योंकि मैं जब भी दिग्पाल लांजेकर सर की कितनी भी कॉन्टेंट रिलीज होती है मैं हर वक्त हम दोनों बहुत ही अमेज हो जाते हैं उनके कॉन्टेंट को देखते हैं। एक बहुत रिस्क फैक्टर है यहाँ पे क्योंकि आप एक ही सेम एरा के बारे में बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वॉरियर के बारे में बात करें, एक एम्पायर के बारे में बात करें, किंगडम के बारे में बात करें, एक ग्रेट किंग के बारे में, एग्जीक्यूशन हर एक मूवी से अलग है। राइट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि सिमिलर ना लगे, रेपिटेटिव ना लगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दिग्पाल लांजेकर सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत मच्योरली अपने इस सारे इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया उन लोगों ने, ये बहुत बड़ा मिशन है जिन पे वो लग पड़े हैं एंड ही हैज बीन सक्सेसफुल एज ऑफ नाउ। और बाकी और तीन और फिल्में हैं उनकी रिलीज होने वाली है और यहाँ पे एक अलग रिलीज है शिवरायांचा छावा जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। सो लेट्स सी इसके ट्रेलर के फाइनल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, पता करते हैं कि ये प्रोडक्ट बन के कैसे आया है। बट इस कॉन्टेंट को देखने से पहले आप जरूर हमारे चैनल में आके पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, आपके लिए सब्सक्रिप्शन ज्यादा मायने नहीं रखता होगा। yes, guys, बट वन सब्सक्रिप्शन फॉर अस इज अ लॉट ऑफ, क्योंकि गाइस हम जितने भी रिएक्शन देते हैं जितने भी डिस्कशन देते हैं काफी ज्यादा मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और हम मेन पॉइंट ये है कि वी आर फिल्म लवर्स और हमें पॉइंट डिस्कस करने में और हमें ये काम भी काफी अच्छा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर, उसके बाद हम रिएक्शन के बाद डिस्कशन भी करेंगे। लेट्स गो। स्वराज्याच्या नव्या छत्रपतींनी हे ध्यानी ठेवावे, हे श्रींचे राज्य अहत तंजावर ते तहत पेशावर व्हावे। तुम्हाला जर शिवाजी व्हायचं असेल ना शंकूपाळा, तर आपल्या रयतेच्या हितासाठी लढताना संताप शिवशंकराच्या तोडीचा हवा, पण शत्रूवरचं ध्यान नाही शॉट कधीही सुटता कामा नये। स्वारींना आज झाले तरी काय, असे हरवलेले का वाटते? स्वराज्याच्या सिंहासनाची जबाबदारी फार मोठी असते राणी सरकार। और अगर हिंदू आवाम को जीना है तो जजिया भरना पड़ेगा। पूर्ण भारत गेल्यापासून त्यांना असं वाटलं की इथं कोणी वाली नाही, त्यांचं हे मत आपण भेदून राहू दे। राहू दे लेकिन उस संभा ने मराठा दौलत को संभाला। मराठों के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करो, अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई बहुत बड़े स्केल पे फिल्म को बनाएंगे, किसी भी मराठे का सिर उसके धड़ पे नहीं रहेगा। अक्सर जन में देखा जाता है कि जो पहले हमला करता है जीत उसी की होती है। आज हमारे जंग का असूल भी यही होगा। That's राहुल देव। बुरहानपुर ये मुगलांच्या दौलतीतलं तिसरं महत्वाचं ठाणं आहे। अशा नवीन आणि जुन्या मंडळींना आपल्या सर्व ताकदीशी एकत्र यावं लागेल।
बाबासाहेबांनी पाहिलेला अहत तंजावर ते तहत पेशावर हे हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न आपल्याला लवकरात लवकर साकारता येईल. संभाजी केवळ सिंहासनाधीश्वर राजा नाही तर तो परमप्रतापी छत्रपती शिवरायांचा छावा आहे. वाव. ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लास्ट सो गाइस, ऑफिशियल ट्रेलर फॉर शिवराय यांचा छावा. यहाँ पे इस फिल्म जो भी मैंने ट्रेलर में देखा, इतनी बढ़िया कुछ कुछ शॉट्स थे. यस. और जब भी मैं वो शॉट्स देखता हूँ, मैं जिस मोमेंट पे मैं ये कहने जाता हूँ कि बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है. मैं कुछ शॉट्स इनडोर शूट्स में कुछ देखता हूँ, कुछ ऐसे इनडोर शॉट्स मुझे देखने को मिलते हैं जहां मुझे मेरे जितने भी एंटिसिपेशन है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है. ओके. कुछ कुछ इंडोर शॉट्स है मुझे अभी भी लग रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार टीजर की रिएक्शन में नहीं, मैंने ये कहा था कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोग ट्रेलर देखने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि ट्रेलर में शायद जो भी टीजर में जो भी गलती हुई है वो ट्रेलर में वो नहीं रहेंगी. लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो मुझे थोड़ी बहुत यू नो ऐसा लगा कि और बेहतर करना चाहिए था. यस, प्रोडक्शन लेवल के मामले में. हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं. आउटडोर शॉट्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है. यू नो, जब वो व्हेन दे गो अंडर द सन एंड व्हेन दे आर यू नो आउट 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 ऑफ देयर स्टूडियोज और देयर पैलेसेस. यस, कुछ शॉट्स बहुत बढ़िया लगते हैं, जिस तरीके से कैमरा, जिस तरीके से सेटअप किया गया है, सिनेमाटोग्राफी जिस तरीके से की गई होगी, कैमरा वर्क जिस तरीके से दिखाया गया, बहुत बढ़िया लगता है जब आउटडोर शूट्स होते हैं. लेकिन जब भी ये लोग इनडोर शूट्स करते हैं तब लगता है कि यू नो सब कुछ कोरियोग्राफ्ड है एंड इट लुक्स वेरी प्लान्ड, कैलकुलेटिव लग रहा है. कैलकुलेटिव तो लग रहा है, और उससे रियल, हाँ रियल यहाँ पे नहीं लग रहा है. और ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि मतलब नपातुला चीज है कोई भी, मतलब ऐसे कोरियोग्राफ्ड किया गया. 2024 की ऑडियंस है, आप देख के समझ. हम तो आजकल ऐसा होता है कि ऑडियंस कौन सा वीएफएक्स है कौन सा नहीं है वो भी बता देते हैं, उस पे भी वो लोग बता देते हैं. और ये भी कंसर्न रहते हैं आजकल, जैसे होता है ना कि हम लोगों को पता है कि बॉलीवुड 90s में या फिर अर्ली 2000s में सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस किया था बॉलीवुड का, यशराज फिल्म्स. तो वो लोग, हम लोग यही सोचते थे एज अ व्यूअर कि अगर यशराज का कंटेंट तो बहुत एपिक होगा, बड़ा होगा. पर वही कुछ यहाँ पे बात है कि आजकल लोग पता कर लेते हैं कि वीएफएक्स कौन से स्टूडियो से है, कौन सा डायरेक्टर उसे इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर सकता है. यहाँ पे एक चीज है गाइस, अगर यहाँ पे इंडोर के जो शॉट्स हैं या फिर ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे काम करना चाहिए था, वही यहाँ पे जो टाइगर वाला जो शॉट है वो यहाँ पे मतलब वो एक्चुअली छत्रपति संभाजी महाराज का जितनी भी वो जितनी उनकी कहानी है, जो सबसे फेमस जो घटना घटी है उसको, वो यूएसपी है इस फिल्म की. और उसे इसी तरह से हमने फर्स्ट टीजर में हमने यही बताया था कि वो वीएफएक्स का जो जिस तरह से डिजाइन किया गया, ऐसा लग रहा था कि जो जिस तरीके से उसके मतलब तो जॉ को जैसे फाड़ा जा रहा था, जैसे इट फेल्ट लाइक कि वो सच में संभाजी महाराज वहां पे थे. और वहां पे जो काम है वीएफएक्स का वो काफी कमाल का है, प्रोडक्शन वहां पे काफी अच्छी है. मैं आप उस नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने दिमाग में रखिए ही मत, वो एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो मुझे लगा कि बहुत माइनर है, कि अगर लगता है कि इंडोर शॉट्स अगर थोड़े बेटर होते तो और अच्छा और होता, अगर, लाइटिंग वगैरह अगर अच्छी अगर, होती. अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो आपको पता होगा कि हम कोई भी रिएक्शन जो भी देते हैं, जो डिस्कशन देते हैं, वो बायस नहीं होता है. हम जो भी बात करते हैं क्लियरली ऑन द पॉइंट हम बात करते हैं. राइट. और किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी एफर्ट को हम लोग नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का मेहनत है. हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमने जो ऑब्जर्व की वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कुछ नहीं. तो यहाँ पे बात हो गई गाइस, यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल की बात हो गई, वीएफएक्स के बारे में हमने बात कर ली. यहाँ पे अब यहाँ पे संभाजी महाराज की जो जर्नी है, वो जर्नी के बारे में यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई जाएगी, बस एक प्लॉट, मतलब एक जो इवेंट है, मुझे लगता है कि मुगलों ने उनके किले पर फिर से अटैक करने की कोशिश की थी. जब उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज जिस वक्त वहां पे नहीं है, तो उनको लगा, मुगलों को ये लगा कि बहुत आसान हो जाएगा संभाजी महाराज के ऊपर अटैक करके उन्हें कब्जा कर लेना. लेकिन इतिहास गवाह है और पता है कि कौन शेर है और कौन क्या है. और यहाँ पे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संभाजी महाराज के ऊपर, वो यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई गई है कि जो प्रजा है उनका जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, उनके पूरे एम्पायर के ऊपर वो दिखाया जाएगा. और यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे ऐसा भी दिखाया गया कि यहाँ पे ब्रिटिश
वो भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सब कुछ दिखाया जाएगा, इतिहास के पन्ने फिर से खुले जाएंगे, फिर उस पन्नों के पीछे हम जाएंगे, फिर से हमें इन वीरों की कहानी हमें सुनने को देखने को मिलेगी। तो मैं चाह रहा था कि संभाजी महाराज के ऊपर भी एक सिनेमा बने, एक स्टैंडअलोन फिल्म। हाँ, ये स्टैंडअलोन फिल्म बनाई गई है, बहुत ही अच्छी है, और इसे मैं चाहूंगा कि इसका सीक्वल भी निकले और भी कई सारे इवेंट्स यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की जाए दिग्पाल लांजेकर के द्वारा। और मुझे लगता है कि लोगों को पता लगना चाहिए आउटसाइड महाराष्ट्र, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑडियंस है उसके बाहर, एंड स्पेशली बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड ने कभी ऐसा नहीं किया पर आने वाला है। उसके ऊपर भी विकी कौशल काम कर रहे हैं, उनका भी एक छावा नाम से एक फिल्म आने वाली है। राइट, सो वी आर हैविंग सम यू नो गुड आइडियाज यहाँ पे, और बहुत पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पे है, एंटिसिपेशन बहुत बहुत ज्यादा है हमारे दिलों में। और वैसे भी अजय देवगन सर ने भी काफी सालों पहले एक बहुत बढ़िया फिल्म की थी, तानाजी बहुत बढ़िया फिल्म थी। ओम राउत वाज अ सक्सेसफुल एंड विजनरी डायरेक्टर एट दैट टाइम। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बट वी स्टिल हैव हाई होप्स विद ओम राउत, आई एम श्योर उनका कमबैक। मुझे लगता है कि उन्होंने ओम राउत को फिर से मराठे एम्पायर की किसी भी और भी कैरेक्टर को लेके एक फिल्म बनानी चाहिए। आई थिंक ही शुड गेट बैक टू बेसिक्स फर्स्ट। उन्होंने कभी हमारे बॉलीवुड में ये और फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हुआ है कि जब किसी डायरेक्टर को थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं दे गो क्रेजी एंड दे एंड अप मेकिंग बैड मूवीज। तो होता है, ऐसा होता है, पर यहाँ पे शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बजट उनके उनका जो विजन है उसको यहाँ पे ब्लर करती हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बजट के बारे में सोचते नहीं है, यहाँ पे स्टोरी के बारे में सोचते हैं, एग्जीक्यूशन किस तरह का होना चाहिए। दिग्पाल लांजेकर की प्रीवियस जितने भी फिल्में हैं हमने देखी है, उनकी एग्जीक्यूशन काफी कमाल की है, कास्टिंग काफी कमाल की करते हैं, और ऐसा भी होता है कि कास्टिंग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है दूसरे फिल्मों में। ये बहुत ही अच्छा है जो बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जरा इसके कास्ट के बारे में हम लोग बात कर लें, और कास्ट के बारे में अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे नाम है, ढेर सारे नाम है, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं सबके नाम यहाँ पे लू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इट स्टार्ट्स विद मृणाल कुलकर्णी, चिन्मय मंडलेकर, भूषण पाटिल, तृप्ति मधुकर तोड़मल, तृप्ति मधुकर तोड़मल, प्रसन्न केटकर, अभिजीत श्वेत चंद्र, विक्रम गायकवाड़, भूषण शिवतरे, अमित देशमुख, अवधूत गांधी, रवि काले, राहुल देव, ज्ञानेश वाडेकर, ईशा केसकर, नंदिनी कन्हरे, समीर धर्माधिकारी, दीप्ति लेले, सौरभ कुशवाहा, बिपिन सुर्वे, आशुतोष वाडेकर, दादा पसलकर, सागर संत, शरद सिंह, राम अवाना, रंजीत रंदेवे, नीता टिपनीस डोंडे, अमित मेहता एंड सायली संभरे। दैट इज अ बिग कास्ट एंड रेस्पॉन्सिबल कास्ट है, बहुत उम्दा कलाकार हैं सारे जिनका मैंने नाम यहाँ पे लिया है। म्यूजिक इज डन बाय देवदत्त मनीषा बाजी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज प्रियंका मायकर। इट इज अ वंडरफुल जॉब, बहुत बढ़िया काम आपने किया है। हालांकि जो मेरे पॉइंट्स है मैं अभी भी उनपे टिका रहूंगा, एग्जीक्यूशन बहुत जगह पे थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चाहिए प्रतीक रेजिज को। आई थिंक ही शुड हैव फोकस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। आर्ट डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस करना था। बैकग्राउंड म्यूजिक में अमर मोहिले, बहुत सालों बाद ये नाम मैं देख रहा हूँ, ये 90s में बहुत ज्यादा फेमस थे। अमर मोहिले जी बहुत ज्यादा फिल्म में वो म्यूजिक दे चुके हैं, बहुत सारे फिल्म पे उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है बॉलीवुड फिल्म में, सो आई नो दिस म्यूजिक डायरेक्टर। और अगर कोरियोग्राफी के बारे में बात करें, मैंने अभी तक तो कुछ देखा नहीं है, बट साउंड वाइज मुझे ठीक ठाक लगा, द साउंड वाज गुड, द साउंड इन दिस फिल्म इज गुड। निखिल लंजेकर और हिमांशु अंबेकर जी ने इसके ऊपर फोकस किया है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल, यही सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। हमें बहुत बड़ी आशा है, बहुत ज्यादा आशा है इस फिल्म को लेके कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस करे और दिग्पाल लांजेकर सर के जो विजन है उसको आगे बढ़ाते रहे वो, और बाकी और उनकी जो शिवाजी अष्टक जो बेसिकली जो सीरीज वो प्लान कर रहे हैं वो आज बाकी और तीन फिल्में हम देखना चाहते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से इन फिल्मों को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत बड़ा मिशन, और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मूवमेंट है, मैं कह सकता हूँ कि आजकल की जो पीढ़ी है उन्हें फिर से हिस्ट्री को याद दिलाना पड़ता है फिल्मों के द्वारा। और ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप फिल्में अगर आप बनाते हो तो लोगों के दिमाग में वो छवि रह जाती है, नहीं ऐसा है तो फिल्में दिखाया गया तो ऐसा ही होगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे, गलत एग्जाम्पल है यहाँ पे, जोधा अकबर।
यहाँ पे आप सबको पता होगा कि वहाँ पे हिस्ट्री कैन बी डिस्टॉर्टेड बहुत आसानी से, बहुत आसानी से वहाँ पे किस तरह से दिखाया गया था right. मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो फिल्में हैं और ये सेंसर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक कहानी को किस तरीके से उसको बनाए, तोड़े मरोड़े नहीं. Yes. But ultimately we will surely wait for this release. आप भी जरूर जाइए अपने नजदीकी थिएटर में, हमें तो ये मौका नया नहीं मिलेगा. Yes. अगर यहाँ पे एज इट इज अ मल्टीलिंगुअल फिल्म बहुत सारे भाषाओं में रिलीज होने वाली है, अगर यहाँ पे कोलकाता में रिलीज होती है, we will definitely watch it, उसके ऊपर शायद एक रिव्यू भी कर दें. बिल्कुल. लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स हमें बताइए. और आपने जैसे प्रीवियस वीडियोज में बहुत सारे कमेंट किए हैं, आप डोंट फॉरगेट टू कमेंट आउट हियर, अपने थॉट्स हमें बताइए कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं. हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क में जा सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, हर जगह पे हम लोग हैं. एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स आउट देयर. और हमारे चैनल को जरूर नोटिफिकेशन बेल में जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमें सारे अपडेट्स, हमारे जो सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. यस गाइस, एंड स्टे विद अस, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद.